अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान करना। बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ। देखिए 2019 से ही इस पर काम चल रहा था केंद्र सरकार का और लगातार ये बातें कही जा रही थी। अभी चुनाव है, चुनाव के पहले कोई ऐसा धार्मिक मुद्दा लाकर जनता को गुमराह करना ये भाजपा सरकार का शुरू से ही आदत उनकी रही है और वो लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं कि विकास के मुद्दों से ध्यान भटक जाए। जो वादे किए थे भाजपा ने केंद्र सरकार ने उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। और अभी जो कुछ भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो कार्रवाई उन्होंने की है, जिस तरह से कहा है SBI को कि उसे ट्रांसपेरेंट करे, उसे लाया जाए सामने, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे लाया गया है और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमारा देश भारत अनेकता में एकता का देश है, हमें संविधान से सभी धर्मों का सभी जातियों का आदर करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए ये सब चुनावी इनके जो भी ये हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को परेशान करने की कोशिश ज़रूर होगी लेकिन हमारा देश महान है, इस तरह की छोटी मोटी समस्याओं से सब मिलजुल कर निपट लेंगे। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे, एक खेल आखिरी खेल उनका चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो, 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडित आ गए घर में, एक खेल करते रहते बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया, ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया, कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया आने वाले, लड़ाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला, अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे। दीदी एक सवाल था, क्या राज्यों में आप इंप्लीमेंट होने देंगे सीए, क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा है कि पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए, आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला, रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग, हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस, तो 2020 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल भी किया, लेकिन अभी चुनाव जो आते हैं एक कुछ कुछ लेकिन असली 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं, क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है, आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है, आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश की युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाएं, अपने ऊपर छत दिलवाएं, ये तो मोदी जी ने 10 साल से किया नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यकों को भारत लेके आइए, क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के लोग तो वोट नहीं देंगे उन्हें, तो और लोगों को भारत की नागरिकता दिलवाइए। मैं फिर से कह रही हूँ, सीए का पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि पहले मोदी जी हमारे देश के लोगों का ध्यान रखें, उन्हें महंगाई से निजात दें। रोमो जी समझिए,
टाइमिंग देखिए, चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सूचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं रहा? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे, देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला, तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए अब ये लेकर आ गए। देखिए हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून को नहीं बना सकते, और आप सीए को एनपीआर एनएचसी के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट ईयर करके नहीं देख सकते आप। तो हमारा तो ऑब्जेक्शन